Hi everyone, this is Nishtha and welcome back to the channel. So I am back with another video in the series CUET 2022 analysis, and हमने already business studies and English का analysis कर लिया है. I will be covering all the major subjects जो एक commerce student को चाहिए होगा, and in this video हम general test का analysis करने वाले हैं. General test में किस type के questions थे, किस level of difficulty के questions थे, overall क्या experience रहा and stuff. तो मैंने खुद भी एग्जाम्स देखे हैं एंड काफी जो स्टूडेंट्स से मैं टच में हूँ उनके भी एनालिसिस के अकॉर्डिंग दिस वीडियो इज कंक्लूजन ऑफ ऑल दोस एंड आई होप इट हेल्प्स यू टेक दीज टिप्स एज इंडिकेटिव ओनली क्योंकि ये किसी एक या दो स्लॉट्स पे बेस्ड हो सकते हैं. हो सकता है आपके स्लॉट में कुछ डिफरेंट आए. इनको रिजिड मत मानना. ट्रीट देम एज इंडिकेटिव. अगर आपके एग्जाम स्लॉट में कुछ लेवल ऊपर या नीचे होता है तो एनटीए विल टेक केयर ऑफ दैट थ्रू नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है, इसका क्या प्रोसेस होता है, वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में समझा दूंगी. बट दैट इज नॉट समथिंग यू नीड टू बी वरीड अबाउट राइट नाउ. नॉर्मलाइजेशन में जो होगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है. एग्जाम सेंटर पे क्या हो रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है. आपके कंट्रोल में आपकी प्रेपरेशन है एंड फॉर दैट प्रेपरेशन को बेटर करने के लिए हियर इज द एनालिसिस ऑफ जनरल टेस्ट. सो लेट अस स्टार्ट विद द जनरल टेस्ट एनालिसिस. इसमें जनरल टेस्ट में आपको 75 क्वेश्चंस देते हैं, उसमें से आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. जनरल टेस्ट इज बेसिकली नीडेड फॉर योर स्पेसिफिक प्रोफेशनल कोर्सेस. आप हर कोर्स के लिए जनरल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है. तो जनरल टेस्ट में आई टेल यू प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर जाना है तो आपको जनरल टेस्ट देना होगा. प्रोफेशनल कोर्सेज डीयू में कौन से हैं? बीबीए है, बीएमएस है, BBE है. सम ऑफ द कॉमन प्रोफेशनल कोर्सेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो अगर आपको इन कोर्सेज में जाना है तो जनरल टेस्ट इज अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट फॉर दिस. एंड जनरल टेस्ट में आपका वो सब आता है जो पहले डीयू जैट वगैरह में पूछा जाता था, जैसे कि आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग एंड जनरल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ये सब आता है. तो 75 क्वेश्चंस में से आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है, जितना मैंने स्टूडेंट से पूछा है एंड खुद देखा है, उसमें ये था कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस वाज नॉट वेरी हाई. डिसेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे. मतलब अगर आपकी प्रेपरेशन फाइन है, डिसेंट है, तो आप क्वेश्चंस इजीली कर लोगे. तो ऑब्वियसली इसमें एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है तो रिलेटिवली चॉइस इतनी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं हुई. बट स्टिल 15 क्वेश्चंस आर अ लॉट गिवन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो हमें पूछा गया था एग्जाम में. क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड जीके, ये तीन मेजर सेक्शंस होते हैं जिसमें से, एज आई मेंशनड इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस, जिसमें मैंने अपने रिसोर्सेज बताए थे कि मैंने प्रेपरेशन के लिए क्या रिसोर्सेज यूज किए. इफ यू आर अ 2023 एस्पिरेंट या उसके बाद के आप फ्यूचर एस्पिरेंट हो, यू कैन रेफर टू दैट वीडियो एज वेल. तो उसमें भी जैसा मैंने बताया था कि तो जीके एक ऐसा सेक्शन है जो किसी किसी को बहुत ईजी लगता है एंड किसी किसी को सबसे ज्यादा डर जीके से ही लगता है. तो इस एग्जाम में आई'ड से जीके जो जनरल पैटर्न रहा है हमारा पिछले 2-3 साल में कि करंट अफेयर्स एंड बिजनेस जीके पे ज्यादा फोकस रहेगा, वो इस बारी टूट गया. स्टैटिक जीके काफी पूछी गई थी आपसे. रिवर्स, मॉन्यूमेंट्स, फेस्टिवल्स, इन सब पे भी क्वेश्चंस थे. तो वी विल डिस्कस इट अभी आगे. एंड क्यूए एंड एलआर के लिए, क्यूए, एलआर, वीआर जो वर्बल रीजनिंग होती है आपकी, आई वुड से कि बेसिक्स आपके अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस अगर आपने नहीं भी प्रैक्टिस किए तो आप इजीली मैनेज कर लोगे. क्योंकि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस जनरल टेस्ट में पूछा गया था वो इतना हाई नहीं था एज हमारा डीयू जैट वगैरह में आता था. तो इजीली मैनेज कर लोगे क्वेश्चंस आप अगर आपकी बेसिक प्रेपरेशन ऑन पॉइंट है. तो जैसे मैंने बाकी वीडियोस में टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया था कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस है, जनरल टेस्ट में ऐसे कोई टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन नहीं है आपकी. मैं बता देती हूँ आपको. आपका एक क्यूए होता है, एक आपका एलआर होता है और एक आपका वीआर होता है. क्यूए में आपकी पूछते हैं बेसिक मैथ्स क्लास 8, 9, 10 की जो होती है. इसमें आपके अरेंजमेंट्स होते हैं, टाइम एंड वर्क पूछते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस पूछते हैं, बाकी जनरली आपका डायरेक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चन होता है. काफी सारे टॉपिक्स होते हैं. वीआर में आपके सिलॉजिज्म्स होते हैं, इन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं जो कि काफी पूछे जाते थे डीयू जैट में. बट जनरल टेस्ट अटाइन हुआ उसमें बस एक क्वेश्चन था सिलॉजिज्म्स का एंड इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन इतने नहीं आए. जैसे कि आपका जैट में आता था कि तीन स्टेटमेंट्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज. उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए आपके वीआर में भी और ना ही ऐसे क्वेश्चंस आपकी इंग्लिश सेक्शन में भी आए.
ओवरऑल जितना मुझे लगा कि जैट से इजी ही लेवल था जनरल टेस्ट का एंड इंग्लिश का कंबाइंड अगर हम वर्बल सेक्शन देखें तो, क्योंकि जैट में जो वोकैब का लेवल था वो आपका लैंग्वेज टेस्ट में वोकैब का लेवल नहीं था, तो जैट में आपका वीआर का लेवल था वो जनरल टेस्ट के वीआर का लेवल नहीं था. तो ओवरऑल इन माई ओपिनियन लेवल थोड़ा कम हुआ है, विच में इंडिकेट कि आपका स्कोर अच्छा आएगा एंड विच में ऑल्सो इंडिकेट कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा. वो देखा जाएगा एक रिजल्ट के टाइम की क्या परसेंटाइल बन रही है, क्या रैंक्स बन रहे हैं, क्या स्कोर्स बन रहे हैं. बट या लेवल उतना अच्छा नहीं था जितना चार्ट में पूछा जाता था. बेसिक मैथ्स में आपका आई'ड से रेशियोज से रिलेटेड क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन था, के बॉर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो काफी बेसिक कर दिया था इन्होंने. पैटर्न्स पे क्वेश्चंस थे. वन ऑफ द क्वेश्चंस आई रिमेम्बर वाज कि ऐसे दिया हुआ है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, या तो इस टाइप के पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस थे. आपका जो कंटिन्यू द सीरीज होती है कि इसके ट्रायंगल के अंदर परसेंटेज है, सर्कल के अंदर इक्वल टू है, तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट पैटर्न, इस टाइप के क्वेश्चंस. तो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चंस रहते हैं एलआर के वो सब थे. टाइम एंड वर्क से रिलेटेड था. टाइम एंड वर्क पे आई रिमेम्बर 2 या 3 क्वेश्चंस थे. डायरेक्शंस पे क्वेश्चंस थे कि एक बच्चा इतने किलोमीटर नॉर्थ गया फिर लेफ्ट लेके इतने किलोमीटर साउथ गया, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्शंस पे वो थे. आई रिमेम्बर आपके डिक्शनरी में कैसे वर्ड्स अपियर होंगे, इससे रिलेटेड कम से कम 3 4 क्वेश्चंस तो थे. मतलब सिमिलर साउंडिंग आपको सिमिलर स्टार्टिंग वाले वर्ड्स दे देंगे और उसमें बोलेंगे कि अरेंज द टर्म्स इन द ऑर्डर दैट दे वुड अपियर इन अ डिक्शनरी. उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे आपके वर्बल रीजनिंग के अंडर. तो ये था बेसिक्स. एक दो क्वेश्चंस थे सिलॉजिज्म्स पे. क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स एज फार एज रिमेम्बर कुछ भी नहीं था क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स से. या डाइस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते थे कि इतनी साइड पेंट करी है, या क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स पे कि इतनी साइड पेंट करी, इतने क्यूब्स में कट किया, उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं थे. काफी बेसिक लेवल था जनरल टेस्ट का. मतलब जो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सीक्वेंशियल इनपुट आउटपुट ट्रेसिंग, ऐसा कुछ भी नहीं आया था एग्जाम में. और जो बेसिक आपके पैटर्न्स, अरेंजमेंट्स, डायरेक्शंस, जैसे स्कूल के मैथ्स ओलम्पियाड्स में आते थे, साइंस ओलम्पियाड्स में आती थी लॉजिकल रीजनिंग, मेरे को तो उतना ही लेवल लगा इसका. ज्यादा ऊंचा लेवल नहीं था जैसा चार्ट में पूछा जाता था. पैटर्न्स जो थे वो इजीली डिकोड हो रहे थे. तो एलसीएम एचसीएफ के भी क्वेश्चंस थे. तो नंबर सिस्टम काफी हैवी था इस वाले पेपर में. आई एम टॉकिंग अबाउट द 17 अगस्त अटेम्प्ट जीके. या तो कमिंग टू जीके, आपका जनरल पैटर्न ये रहा है पिछले 2 3 साल से कि आपका करंट अफेयर्स पे बेस्ड था, बट दिस टाइम लॉट ऑफ स्ट्रेटजी के वॉज ऑल्सो देयर. जीके में आपको अगर बताऊं तो 10 to 12 questions थे जीके के, जिसमें कि आपका मॉन्यूमेंट्स, करेंसी, फेस्टिवल्स, ज्योग्राफी लिखते थे. ज्योग्राफी में आपके मेजरली रिवर्स, हिल्स, इन सब पे क्वेश्चंस थे कि फाइंड द ऑर्डर वन आउट इन 3 रिवर्स में क्या कॉमन है, या तो उनकी कोई ट्रिब्यूटरी कॉमन होगी. हिल्स में पूछा था तो 4 हिल्स में से ऑर्डर वन आउट ढूंढनी थी, 3 3 वर फ्रॉम इंडिया, 1 वॉज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया. तो इस टाइप के क्वेश्चन थे. अगर आपको स्टैटिक जीके में आपको मॉन्यूमेंट्स में क्या कॉमन है, सांची स्तूप क्या चीज है, इस टाइप के क्वेश्चन थे. फेस्टिवल्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे. फेस्टिवल्स में फिर आपका इसमें करंट अफेयर्स भी थे. करंट अफेयर्स में बेसिकली आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, फेस्टिवल से रिलेटेड एज आई मेंशन्ड, किसी गवर्नमेंट स्कीम को रीनेम किया है उससे रिलेटेड था, यूनेस्को ने रिसेंटली कौन से फेस्टिवल को रिकोगनाइज किया है, कुछ इम्पोर्टेंस दी है, तो वो कौन सा फेस्टिवल था. तो करंट अफेयर्स में इस टाइप के क्वेश्चन, बेसिक अवेयरनेस है कि कौन सी करेंसी कहाँ यूज होती है, कौन सी रिवर कहाँ जाती है, कौन सी माउंटेन हिल्स कहाँ है. एचएएल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था. तो डिफेंस में आपके 2 questions थे. बट सिंस इतनी अनसर्टेनिटी है कि आप क्या पढ़ो और उसमें से क्या पूछा जाए, आई वुड सजेस्ट कि आप जितनी बेसिक प्रेपरेशन कर सकते हो जीके के लिए उतनी कर लो, क्योंकि यू हैव अ बफर ऑफ 15 questions एंड इफ यू हैव द चांस ऑफ इम्प्रूविंग योर स्कोर इन एलआर, क्यूएएन, वीआर, आई वुड सजेस्ट यू टू डू दैट रादर देन स्पेंडिंग टाइम ऑन जीके. तो दिस वॉज इट फॉर द जनरल टेस्ट. 15 questions का बफर है. इवन इफ यू आर नॉट गुड विद अ पर्टिकुलर सेक्शन, स्ट्रेस आउट करने की जरूरत नहीं है. लेवल ऑफ क्वेश्चंस वाज नॉट वेरी हाई, तो ऐसा भी नहीं होगा कि 15 questions आपके बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे बफर वाले. तो चिलोगे, पेपर दो, एकदम जनरल टेस्ट आराम से निकल जाएगा. टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है आप मैथ्स में टाइम वेस्ट कर दो एंड फिर आप लॉजिकल रीजनिंग के किसी एक क्वेश्चन पे अटक के टाइम वेस्ट कर दो. दीज क्वेश्चन आर नॉट मेंट टू बी अटेम्प्टेड. कुछ क्वेश्चन जान के ऐसे डाले जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग में भी, कि आप उन क्वेश्चन को देख के समझ जाओ कि वो अटेम्प्ट करने वाला नहीं है पेपर में, इधर ड्यू टू द डिफिकल्टी लेवल और इधर ड्यू टू द टाइम इट विल टेक टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. उतनी देर में आप 2 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकते हो. तो ध्यान रखना, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिंस इसमें आपको 60 questions अटेम्प्ट करने हैं, तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं या आप पहले ही देख लेना. दिस इज ट्रू फॉर मैथ्स एज वेल.
जहाँ आपको टाइम क्रंच फेस करना पड़ सकता है, वहां सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड सिंस इसमें इतना लेवल ऊपर नहीं था, यू डोंट नीड टू वरी मच अबाउट दिस. एंड या दिस वाज इट. जनरल टेस्ट वुड बी एज्ड विद गुड प्रेपरेशन एंड अ काम माइंड. दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो. हम बिजनेस स्टडीज, जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज ऑफ सीयूटी 2022 एनालिसिस, आई विल सी यू गाइज विद अनदर सब्जेक्ट एंड इट्स एनालिसिस. टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग. And bye bye, I'll see you in the next one. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop.